नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और स्वागत है नए वीडियो में। आप जो मेरे पीछे फोर्स ट्रैवलर देख रहे हो, ये नॉर्मल फोर्स ट्रैवलर नहीं है, ये ईवी है फोर्स ट्रैवलर, और ये 14+D है, 14 पैसेंजर प्लस ड्राइवर। ये इन्होंने शोकेस की हुई है, जो प्रगति मैदान में मोबिलिटी शो चल रहा है उसके अंदर शोकेस की हुई है। अब इसमें आपको अपडेट दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमें मोटर वगैरह मिल जाती है। तो गाड़ी तो ये खड़ी, पहले आपको इसकी डिटेल्स दिखा देता हूँ। 5.5 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है, 3350 मीटर का व्हील स्पेस मिल जाता है। इंट्रा सिटी लास्ट माइल कनेक्टिविटी एप्लीकेशन है इसके अंदर। मिनी बस पैसेंजर 14+D+5 स्टैंड है, स्टैंड ही है। 190 किलोमीटर विद 1 आवर्स। इसमें PMSM लिक्विड कूल्ड मिल जाता है आपको। 80 किलोवाट की मोटर मिल जाती है। बैटरी लिथियम आयन फोटो फोस्फेट मिलेगी इसके अंदर। डेड रिगेट IBM रिजर्व एलॉय टाइप मिल जाता है। लाइव फुल फ्लोटिंग स्टेबिलिटी टाइप मिल जाता है। प्राइस वगैरह इन्होंने मेंशन नहीं किए हुए, बाकी यहाँ से आप पूरा फ्रंट देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दिया हुआ है, मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर। यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिकल इन्होंने इलेक्ट्रिक मेंशन किया हुआ है। फोर्स की बैजिंग, यहाँ भी फोर्स का लोगो लगा हुआ है। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, हाइलोजन बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हैं इसके अंदर, रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स एंड डुअल बैरल एक नीचे है एक ऊपर, और पार्किंग लाइट्स भी इसमें दी हुई है। यहाँ पे DRS दिए हुए हैं ऊपर की साइड, यहाँ से फ्रंट देख सकते हो आप। नीचे जाली दी हुई है, ये टोइंग हुक वगैरह की जगह, ये आपका हेडलैम्प यूनिट हो गई दोबारा से। बाकी यहाँ से पूरा फ्रंट आप फोर्स ट्रैवलर का देख सकते हैं, जो 100% इलेक्ट्रिसिटी में आपका आने वाली है। कुछ इस तरह से स्टील रिम्स दिए हुए हैं, इसमें फ्रंट डिस्क है और 175 R15 का टायर साइज है। व्हील कैप्स लगाए हुए हैं, ये पता नहीं ये गाड़ी के साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यहाँ ट्रैवलर की बैजिंग है, इंडिकेटर है, ORVM दिए हुए हैं गाड़ी का अकॉर्डिंग काफ़ी बड़े, और ब्लाइंड स्पॉट के लिए अलग से यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है। डोर पैसेंजर डोर है ये, को मतलब फ्रंट में भी आपको दो पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, फ्रंट पे भी चलेंगे अभी गाड़ी के अंदर। बट पहले यहाँ से एंट्रेंस देख लीजिए आप, यहाँ भी ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, इस जगह पे भी ग्लास डोर है पूरा। ये इमरजेंसी के लिए बटन दिया हुआ है इस जगह पे, इमरजेंसी स्विच के लिए 100% इलेक्ट्रिसिटी। पीछे इसमें डबल टायर्स दिए हुए हैं, दो दो टायर्स हैं। और ब्रेक की बात करें तो ब्रेक इसमें ड्रमी है, यहाँ पे एक पैनल दिया हुआ है, ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है इस जगह पे। की वगैरह नहीं है, नॉर्मली आपका लॉक दिया हुआ अभी तो इन्होंने, बट ये है कि जब शायद मार्केट में आए तो उस टाइम लॉक वगैरह दे दें और ये खोल के आप कर सको। सिंगल गिलास है पीछे पैनारोमिक पूरा पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपका हेडलैम्प सेटअप है, टेल लैम्प सेटअप है, ये आपको हाइलोजन बेस है, इंडिकेटर रिवर्स लाइट। फोर्स की बैजिंग 100% इलेक्ट्रिक, जीरो इमिशन लिखा हुआ है, ट्रेवलर का मेंशन क्या हुआ है। स्पेयर व्हील यहाँ मिलेगा, नीचे आपको 2-4 पार्किंग सेंसर्स हैं, ऊपर कैमरा दिया हुआ है, यहाँ भी बोर्ड मिलेगा आपको। इमरजेंसी एग्जिट इस साइड है, पीछे भी 2 रेड लाइट्स दी हुई हैं ऊपर की साइड, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ। इस साइड भी आपको ई ट्रैवलर की पूरी बैजिंग मिलेगी, 100% इलेक्ट्रिक दिया हुआ है। ये आपका व्हील कैप्स, व्हील तो आपको मैं दिखा चुका, जीरो एमिशन आपको यहाँ भी मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट दोनों साइड मिल जाता। एक बार इसे कर लेते हैं ओपन, पहले डोर्स देख लीजिए आप। डोर्स पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, डोर ओपनर है, ग्लास अप डाउन करने के लिए ये थोड़ी जगह मिल जाती है, वाटर बॉटल वगैरह भी आप यहाँ रख सकते हैं। ये सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है रिक्लाइन के लिए, और ये आपका हाइट एडजस्ट करने के लिए मिल जाती है। चलते हैं अंदर, नीचे ब्रेक एक्सीलेटर, क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रिक है तो सिर्फ यही दो चीज मिलेंगी। यहाँ हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, चाबी लगाने की जगह। यहाँ पे इन्होंने कोई बटन दिया हुआ इमरजेंसी के लिए, ये वॉकी टॉकी है आगे से बोलने वगैरह के लिए, पीछे पैसेंजर्स वगैरह को मैसेज देने के लिए भी यूज हो सकता है। अब कर लेते हैं एक बार एंटर अंदर, तो यहाँ आप इसका, यहाँ भी इन्होंने कैमरा दिया हुआ है इस जगह पे भी पीछे के लिए, और एक कैमरा पीछे भी, दो कैमरे लगे हुए हैं पैसेंजर्स के लिए भी, एक यहाँ पे, एक पीछे, दिखाऊंगा। बट पहले आपको स्टीयरिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टीयरिंग देख लेते हैं पहले इसका। तो ये रहा आपका स्टीयरिंग, ये यहाँ पे फोर स्पोक में स्टीयरिंग है, यहाँ पे हॉर्न दिए हुए हैं, कोई रैप वगैरह नहीं है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वगैरह भी इसमें नहीं दी हुई। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है, ये वाइपर कंट्रोल्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये हो गया, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अरे वाह। स्पीड मीटर है इधर आपका,
इलेक्ट्रॉनिक वगैरह देखने के लिए मिलेगी आपको, पावर वगैरह, इको वगैरह देखने के लिए मिलेगा बैटरी का, ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं हैंड ब्रेक वगैरह के, यहाँ पे थोड़ा सा मीटर मिल जाएगा, छोटी सी MID मिल जाएगी, डांट टाइम वगैरह किलोमीटर्स वगैरह अपने आप देख सकते हो। हाँ ये सब इसमें मिल रहा। ट्रेलर की बैचिंग की हुई है यहाँ पे। एक यहाँ पे आपको ये मिल जाता है म्यूनि, ये शायद एंट्रेंस के लिए है, जो बाहर बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह, उसे मैनेज करने के लिए यहाँ बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। ये मीनू है, इसे प्रेस करेंगे हम। सीमेटिको कुछ इस पर लिखा हुआ है, ये उसी लिए है। यहाँ पे पूरा IRBM दिया हुआ है, जिसमें सारी सीट्स कवर हो रही हैं, लाइट है, ऊपर कैमरा है, यहाँ भी वाइट LED लाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपका फैन वगैरह की स्पीड एडजस्ट करने के लिए है इस जगह पे। ये आपका मोड्स है, गियर यहाँ पे दिए हुए हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव के लिए। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है इस जगह पे एक, ये आपका कुछ लाइट्स वगैरह के लिए, इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं सारे, लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स दिए हुए हैं सारे। यहाँ पे भी आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है एक छोटा सा, जहाँ पे अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। दो सीट्स मिल जाती हैं फ्रंट के लिए। यहाँ पे आपको इसे कर देता हूँ मैं ऑफ, व्यू काफी अच्छा आ रहा है। एक बार पीछे की साइड आ जाते हैं। ये सीट्स हो गई, एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ वेंट्स लगे हुए हैं AC के, लाइट्स लगी हुई हैं हर सीट के साथ, आपको लाइट्स है, एमरजेंसी बटन है हर सीट के ऊपर, AC वेंट्स दिए हुए हैं, हमर दी हुई है एमरजेंसी के लिए। कैमरे मिल जाते हैं, इस जगह पे भी कैमरा दिया हुआ है, इस जगह पे भी कैमरा, यहाँ भी दोनों तरफ AC वेंट्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ लाइट्स हैं, यहाँ पीछे से भी आप डोर खोल सकते हैं। सीट कंफर्ट वगैरह तो खैर अच्छा ही होगा, फिर भी एक बार बैठ कर देख लेते हैं। सही है, सीट ठीक दी हुई है, बट आर्मरेस्ट आगे वाली सीट पे दिए हुए हैं इस पे, यहाँ पे पीछे आर्मरेस्ट नहीं दिए हुए, हो सकता है ऑप्शन हो आर्मरेस्ट का, ये हो सकता है। बाकी ऊपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह टाइप लगाए हुए हैं इन्होंने, लाइट्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा इंटीरियर हो चुका, वापस से चलते हैं बाहर। तो भाई ये था आपका ट्रेवलर, E-Traveler का इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ मैंने बता दिया। इंजन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, 80 किलोवाट की मोटर मिल जाती है इसमें, हमें टोटल बैटरी मिल जाती है, यहाँ मेंशन था। हाँ, मोटर पावर 80 किलोवाट की इसमें मोटर मिल जाती है, मैंने बैटरी बोल दिया, बाकी इन्होंने पूरा EV वगैरह मेंशन किया हुआ है। अब आप बताओ ट्रेवलर EV आपको कैसी लगी, क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट बॉक्स ओपन है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।